कभी टीवी के जाने माने चेहरों में शामिल, जो आज बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा है, अविनाश सचदेव की लाइफ बहुत उतार चढ़ावों से भरी हुई है। एक लंबे ब्रेक के बाद अचानक से बिग बॉस में नजर आए अविनाश सचदेव की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो आप नहीं जानते होंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अविनाश अपने टाइम के उन एक्टर्स में शुमार थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग से घर घर तक अपना नाम बना लिया था, लेकिन अविनाश कभी एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वह तो एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थे। अविनाश का जन्म वैसे तो मुंबई में हुआ था 22 अगस्त 1986 को, लेकिन अविनाश की फैमिली कुछ समय बाद मुंबई से गुजरात के शहर वडोदरा शिफ्ट हो गई, जहां के ही लोकल स्कूल और कॉलेज से ही अविनाश ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। अविनाश ने मॉडलिंग करना अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दिया था। वैसे तो अविनाश जब छोटे थे तब वह एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अपने कुछ पर्सनल कारणों से अविनाश ने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का डिसाइड करा। अविनाश ने कॉलेज में काफी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, जिसमें अविनाश ने अपनी ही यूनिवर्सिटी में मिस्टर यूनिवर्सिटी का टाइटल अपने नाम करा, जिसके बाद अविनाश ने मिस्टर वडोदरा, मिस्टर गुजरात जैसे खिताब भी अपने नाम करे। मॉडलिंग में और हाथ आजमाने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए वह गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए। अविनाश का इंटरेस्ट मॉडलिंग के साथ फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन में भी था, जिसके बाद अविनाश ने अपने करियर की शुरुआत करी 18 साल की उम्र में 2004 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर टीवी सीरीज हातिम से। साल 2006 में अविनाश ने अपना एक्टिंग डेब्यू करा स्टार प्लस के शो करम अपना अपना से, जिसके बाद वह नजर आए 2007 में आए सोनी के शो ख्वाहिश में, फिर हिस्सा बने 2008 में किस देश में है मेरा दिल। साल 2008 में आई मूवी रॉकऑन में अविनाश ने डायरेक्टर फरहान अख्तर को भी असिस्ट करा था। साल 2008 में ही आए जी टीवी के शो छोटी बहू अविनाश के करियर का ऐसा शो बन पाया जिसके कारण वह घर घर में पहचाने जाने लग गए थे। शो की ही को स्टार रही रुबीना दिले के साथ अविनाश की ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी रिलेशनशिप में बदल गई थी। जब अविनाश ने शो छोड़ा उसके साथ ही 4 साल तक रिलेशन में रहने के बाद उनका ब्रेकअप भी हो गया। छोटी बहू शो के बाद अविनाश 2013 में हिस्सा बने थे स्टार प्लस के इस प्यार को क्या नाम दूं टीवी सीरियल का, जिसके बाद वह कई शोज में नजर आए जैसे कबूल है, आयुष्मान भवा, बालिका वधू, साथ ही वह नच बलिए सीजन 9 का भी हिस्सा रहे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पलक पुरस्वानी के साथ। इस साल अविनाश ने अपनी आवाज दी है साउथ के सुप्रसिद्ध एक्टर धनुष की लेटेस्ट मूवी वाथी के हिंदी डब वर्जन में। अविनाश साल 2009 में अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2009 के इंडियन टेली अवार्ड्स में फ्रेश न्यू फेस मेल के लिए टीवी सीरियल छोटी बहू के कारण एंड नॉमिनेट किए गए थे बेस्ट न्यू एक्टर इन लीड रोल के लिए। अविनाश का यूट्यूब पर व्लॉग चैनल भी है जिसमें वह ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल व्लॉग अपलोड करते हैं। अविनाश ने टीवी पर अपनी पहचान बनाने के बाद वह काफी लंबे समय तक छोटे पर्दे से गायब हो चुके थे। अविनाश अभी हिस्सा है इस साल के बिग बॉस ओटीटी का। फिलहाल तो अविनाश नेगेटिव गेम खेल रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी क्या स्टेप्स वह लेते हैं अपनी गेम को आगे खेलने में और क्या वह इस बार का सीजन अपने नाम कर पाते हैं। दैट्स ऑल दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगा जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।